बेटी चांदनी की दोस्त है, इसके अलावा हमारा कोई लेन देन नहीं उसके साथ। अरे भाई क्यों अपनी आंखों पर इतना जोर डाल रही हो, बहू को दे दो ना, वो लगा देगी बटन गुलाब की कमीज में। अपनी बहू को जानते नहीं हो क्या? अगर उसे लगाना होता तो गुलाब मुझसे क्यों कहता? इतने से चावल, रोटी नहीं बने तो चावल तो ज्यादा बना देती। मैं इतना ही बना सकती हूँ, चार चार लोगों का खाना नहीं बना सकती। ज्यादा खाने की इच्छा हो तो खुद ही बना लो। उनसे उम्मीद रखने से अच्छा है कि आप भी भारी खाना खा के आ जाए। तो कल से वही करना, इसी भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गई हूँ मैं। क्या हुआ, इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? मुझे बहुत घबराहट हो रही है गुलाब, कहीं अब्बू या भाई को कुछ पता चल गया तो? अरे नगमा कुछ गलत नहीं होगा, तुम बस अपने प्यार पे भरोसा रखो और मेरा यकीन करो, बस कुछ ही घंटे और उसके बाद सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम बस कल टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन उससे पहले किसी को कुछ पता चल गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है गुलाब। तुम इतना घबराओ मत, जैसा प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है। गलती से जल गई तुम्हारी शर्ट गुलाब। कल गलती से बटन टूट गया था, आज तो गलती से शर्ट ही जला दी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा मधु? अब शर्ट ही तो जली है माँ जी, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है? इतनी सारी शर्टें कोई भी पहन लेंगे। आप ना वो अपनी गुलाबी रंग की शर्ट पहन लो, आपके नाम के साथ अच्छा जाए। क्या कहा तुमने? माँ दिख रही हो, दिख रही हो उसको कैसे बात करती है? तुम मेरे नाम का मजाक बना रही हो। आपका नाम ऐसा है, ऊपर से हरकतें, तो मैं क्या ही बोलूं। मधु बात करना ही बेकार है, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। कभी कभी तो ना मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मुझे छोड़ दोगे, भाग जाओगे। इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना, याद रखना। बिरजू देख, तो अगर ढंग से प्रैक्टिस करेगा ना तो एक दिन पूरे जिले का चैंपियन पहलवान बनेगा। बस तुझे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। हाँ मधु बोल, सब ठीक है ना वहां पर? हाँ ठीक, कैसे नहीं होगा। आज थोड़ी आवाज चढ़ाई थी गुलाब ने, पर मैंने भी चुप करा दिया। एक बार फिर से समझाना पड़ेगा उसे। बिरजू उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। मतलब गुलाब ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं कुछ कहा तो नहीं उसने, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। देख मधु तू अपना ध्यान रख, शांत रह तू, और कुछ हो जाए तो मुझे फोन कर। गुलाब को तो मैं देख लूँ। क्या हो गया, किसको देखना है? अरे भाई मेरा जीजा गुलाब, एक बार अच्छे से खबर लेनी पड़ेगी उसके। तुम बस अपने प्यार पे भरोसा रखो और मेरा यकीन करो, बस कुछ ही घंटे और उसके बाद सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। फोन क्यों लगातार बंद आ रहा? रोज तो 6:30 बजे तक आ जाता है, अभी तो 10:30 बजने आए।
अभी तक नहीं लौटा। मधु, गुलाब अभी तक नहीं लौटा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें कुछ बताया था? गुलाब जी ने कुछ कहा तो नहीं, रोज की तरह 6 बजे ही निकल गए थे यहाँ से। गार्ड सही बता रहा है, गुलाब फैक्ट्री यूनिट से 6 बजे निकल गया था। तू निकल रहा है? चल कल मिलते हैं। 12:30 हो गए, ऐसा तो कभी नहीं किया है गुलाब ने, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो मुझे भी हो रही है, पर सुबह होने तो मधु बेटा तुम जाकर आराम कर लो, भगवान करे सुबह तक गुलाब लौट आए, वरना पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ मधु, तुम आराम करो। वो अभी तक घर नहीं लौटा है। पापा जी कह रहे थे कि कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, पर अब अगर घर में हूं तो फिक्र करने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। एक बात बता सच सच, तूने तो कुछ नहीं किया है ना? बेटा पार्वती, देख इतना गड्ढा काफी रहेगा? नहीं पापा, थोड़ा गहरा खोदना पड़ेगा। आप कहे तो किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं किसी को चोट पहुंचाने की चाह दर्द देने की, वो दर्द जो कभी हमने भी महसूस किया हो उसी इंसान से जिसे हम तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन अंजाम हमें भी भुगतना पड़ता है। गुलाब चंदेल हमेशा की तरह घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। ये केस जो एक मिसिंग केस की तरह से शुरू हुआ था, अब वो इंसान की निर्बलता और कमजोरियों से होते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचने वाला था जहां पर प्रतिशोध और चोट पहुंचाने की भावना अपने चरम पर थी। एक ऐसी भावना जो इंसान में सही और गलत को समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। कंप्लेंट तो हम लिख लेते हैं, लेकिन गुलाब 27 साल का, खुद से कहीं गया होगा, आ जाएगा। गुलाब ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही सीधा लड़का है वो, घर से काम और काम से घर के अलावा कुछ नहीं करता। शुक्ला पैकिंग यूनिट में सुपरवाइजर है, बहुत ही जिम्मेदार है। घर पे रिश्ता कैसा है उसका, बीवी से कोई झगड़ा वगड़ा? झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी हल्की फुल्की बात पर नोकझोंक हो जाती है, जैसे आम मियां बीवी के बीच होती है। ये आम मियां बीवी के बीच नोकझोंक की कोई खास वजह भी रहती थी? नहीं सर। किसी बात से परेशान था वो, जाने से पहले कुछ बताया उसने? अब उसकी फैक्ट्री यूनिट एड्रेस, गुलाब का फोन नंबर और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों का नंबर और पता लिखवा दीजिए, हम पता करते हैं। 203 शुक्ला पैकिंग यूनिट। सब एक बात कहनी थी आपसे। बताइए। एक को समझ के रखा है हाँ? चलो भागो, नहीं तो तीनों के लगाऊंगा एक कान के नीचे। हम तो बस गाना गा रहे थे गुलाब भैया। मजाक सोच रहा है तुझे, तू तेरे भाग यहां से भाग। अरे क्यों डांट रहे हो बच्चों को? अरे बच्चे नहीं है, बदमाश है ये, चिढ़ाने के लिए गाना गा रहे थे गुलाबी आंखें। बेटा चिढ़ा नहीं रहे होंगे, बच्चे गाना गा रहे होंगे। ऐसे ही नहीं, मजाक बना रहे थे मेरे नाम का, और आप भी जानते हैं हर कोई चिढ़ाता है, स्कूल से झेलता आ रहा हूं मैं, गुलाब जुलाब गुलाबो और न जाने क्या क्या। अरे आपको कोई और नाम नहीं मिला था कि मेरा रखने के लिए? अरे बेटा तुम्हारे दादाजी को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए इतना प्यारा नाम रखा है तुम्हारा। खेती कर लेते ना गुलाब की, मेरा नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अपने नाम को लेकर वो बचपन से ही चिढ़ता आ रहा है। ठीक है मंगल जी, हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको बताते हैं, अभी अब आराम से घर जाइए। साहब, हमारा इकलौता बेटा है, वो ऐसे कभी कहीं नहीं गया, कोई भी बात होती थी वो हम दोनों को जरूर बताता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका फोन बंद हो और वो घर ना आए। साहब कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा गुलाब मिल जाएगा, हम फोन करते हैं आपको। धन्यवाद। बेटा मिसिंग है और बाप बता के जा रहा है कि उसे अपना नाम पसंद नहीं। हद है। इसमें कोई केस नजर आ रहा है आपको? पता नहीं, पर माँ बाप इतने परेशान है तो एक बार गुलाब के दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके देखते हैं। वैसे गुलाब इतने पैसे वाला तो लगता नहीं कि उसे पैसों के लिए किडनैप किया होगा, पर बाइक थी उसके पास। शायद किसी ने बाइक छीनने की कोशिश की हो, आजकल काफी चोरी डकैती बढ़ गई इस एरिया में। ये गुलाब शुक्ला पैकिंग यूनिट में काम करता है, एक बार जाके बात कर लो, डिटेल्स दिए फैमिली।
पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। चिंता मत करिए माँ जी, आ जाएंगे। कैसी औरत है रे तू मधु, तेरा पति गायब हुआ है और तुझे जरा भी फिक्र नहीं। मैं आपका सोच कर ही कह रही हूँ माँ, आप चिंता करोगी बीमार पड़ जाओगी। और वैसे भी मैंने बाबूजी और बिरजू को बुलाया है ना, परेशान होकर क्या मिलेगा, सब मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे गुलाब। आप चिंता मत करिए वरना आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। बेकार में चिंता कर रहे हो बाबा, तुम गुलाब को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। फिर बता रहा वापस चलते हैं, वापस चल यार। आखिर वो दमाद है हमारा, सोच अगर तू गायब हो जाता तो मेरे ऊपर क्या गुजरते। मेरी छोड़िए, कुछ की तरह सोचिए, वो गुलाब है गुलाब, मैं पक्का बता रहा हूँ, जान बुझ कर यहाँ कहीं चला गया ताकि हम उससे आगे पीछे घूम, दो चार दिन में खुद ही वापस आएगा। देख तू अपना गुस्सा शांत रख बिरजू। चाचा जी सही कह रहे, दुख के लिए दुख की घड़ी घर जाना बनता है, किसी और के लिए ना सही, तेरी बहन मधु के लिए घर जाना ही होगा। हफ्ते 10 दिन में घाव भर जाएगा, बस पानी मत लगने देना। और गजेंद्र जरा संभाल के काम किया करो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। पार्वती बिटिया जी, चाचा जी ये दवाई है, इसको हल्दी वाले गर्म दूध के साथ दे देना। अरे गजेंद्र, इसके रिश्ते की बात कुछ आगे बढ़ी? अरे कहाँ चतुर्वेदी जी, बस बात ही चल रही है। वैसे आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताइएगा। पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएंगे दामाद। आप तो बस हेमा भाभी का ध्यान रखिए। मधु बता रही थी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हाँ वो आराम कर रही है, बस गुलाब लौटा है। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं वो जुए में भारी रकम हार गए होंगे। जीजा जी पैसे देने से बचने के लिए भाग रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू, गुलाब कोई जुआ हुआ नहीं खेलता है। तो जी ये सब आपसे पूछ के तो करेंगे नहीं, किसी बड़े कारण फंस गए होंगे, भाग रहे हैं। जीजा जी के लिए कोई नई बात तो है नहीं है। ये क्या बके जा रहा है तू मेरे बेटे के बारे में, क्या यही कहने आया था तू यहाँ? चरा तो लिहाज कर, तेरा जीजा है वो। आंटी जी आप कुछ ना ही बोले ना तो ज्यादा अच्छा है, सब जानते हैं आपके बेटे गुलाब से शादी करके ना मेरी बहन को कोई मेडल नहीं मिला है। तेरा नाम का गुलाब है आपका बेटा, काम सारे कांटों वाले हैं उसके। चुप बस कर, क्या बकवास कर रहा है। विक्रांत बाहर ले जाओ इसे, बहुत हो गया तेरा। बात कर रहे हैं, दिमाग खराब है तेरा? अरे बोलने से पहले कम से कम ये तो सोचा कर कहां बैठा है, कितना बोलना है, जगह मौका तो देखा कर। ये तू अंदर क्या कर रहा था बिरजू? तेरी जो पहलवानी वाली अकड़ है ना, इसे अपने अखाड़े में रख, जरा समझ। बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, तेरी तानू और हरकतों की वजह से हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं, थोड़ा समझ। इस वक्त दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। लेकिन पुलिस तुमसे भी तो सवाल करेगी ना मधु। हाँ पर पुलिस को क्या बोलना है ये मैं जानती हूँ, तुम बस इसे संभालो बेटा। हाँ बोलो रागिनी। सर अब मुझे लग रहा है कि इस केस में कुछ तो निकलेगा, जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। कुछ पता चला क्या? यस सर, गुलाब चंद का अपनी फैक्ट्री यूनिट के 2 कारीगरों के साथ झगड़ा हुआ था, कुछ 10 दिन पहले की बात है। अबे ये ले, फसा फसा ये यार। काम के टाइम पे ताश चल रहा है, नहीं सब बस वो ऐसे ही। ऐसे ही तो ठीक है, ऐसे ही तुम दोनों के आधे दिन की पगार काट देते। तो गलत है ना साहब, पूरा दिन भर काम कर रहे थे हम लोग, बस 10 मिनट के लिए हटे थे। 10 मिनट के लिए हटे थे वो तो मैंने अभी देख लिया, वरना पता नहीं कितना काम चोरी कर रहे थे तुम दोनों, और इसलिए टाइम पे काम पूरा नहीं होता है। ये गलत है साहब, जब आप काम से घंटों गायब रहते तब तो कोई कुछ नहीं बोलता, हम तो बस 10 मिनट के लिए आराम कर रहे थे और आप आधा दिन का पगार काट रहे हो। अच्छा तो खुद की बराबरी मुझसे कर रहा है, तू मजदूर है और मैं सुपरवाइजर। हाँ तो क्या हुआ, है तो नौकर ही ना, मालिक तो नहीं है ना। ए मनीष चुप रहना, साहब गलती हो गई, माफी मांगते। अरे क्या गलती, क्या गलती, हम दिन भर खटते रहते और इनको सजने संवरने से फुर्सत नहीं है। टाइम आप खराब करते हो, आप हम नहीं। मैं टाइम खराब करता हूँ। फिर अगले ही दिन मनीष और श्रीधर दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने फैक्ट्री यूनिट से दोनों का एड्रेस लिया है, उन्हीं के घर जा रही हूँ। तो रागिनी को कुछ खटक रहा है,
मुझे भी लग रहा है कि हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कहीं कुछ छूट ना रहा हो और बाद में कुछ बड़ा निकले। तो रागिनी फैक्ट्री यूनिट वर्कर मनीष और श्रीधर से बात करने गई। जी सर। तुम एक काम करो, तुम गुलाब के घर जाओ, गुलाब की पत्नी मधु से बात करो, मधु शायद कुछ बता सके। मधु, क्या गुलाब किसी बात को लेकर परेशान था? ऐसी किसी परेशानी के बारे में बताया नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन हाँ गुलाब को छुपा रहे थे। छुपा रहा था मतलब? पिछले 2 महीनों में कई बार मैंने उन्हें रात में कमरे से बाहर जाते हुए देखा था, और वो हमेशा अपना फोन लेकर जाते थे, जैसे छुप छुप कर किसी लड़की से बात कर रहे हो। परसों रात को भी उन्हें एक फोन आया था। और फिर 5 मिनट में वापस आकर सो गए। और उसके अगले दिन से गुलाब गायब है। लेकिन जब तुमने उसकी बातें नहीं सुनी तो तुम्हें कैसे पता कि वो किसी लड़की से ही बात कर रहा था? अगर लड़की नहीं होती तो इस तरह छुप छुप कर बात करने की क्या जरूरत? ये तुम क्या कह रही हो मधु? अगर ऐसा कुछ था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कैसे बताती पापा जी, और क्या बताती? मुझे खुद नहीं पता था क्या चल रहा है, अब भी नहीं पता। तो बात इतनी बड़ी हो गई इसलिए बताना पड़ा। क्या आप में से किसी को पता है कौन हो सकती है वो लड़की? पार्वती बेटा, वैद्य जी ने जो लड़का बताया था ना, उसके पिताजी से मेरी बात हो गई है, कल जा रहा हूँ उनसे मिलने। और तू देखना, दिवाली से पहले तेरी शादी करूंगा और धूमधाम के साथ करूंगा। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पूरी तरीके से ठीक तो हो जाइए। बेटा मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बल्कि अब तो और अच्छा लग रहा है मुझे, खबर ही ऐसी मिली है मुझे। ऐसा भी क्या पता चल गया आपको? बेटा पूरे गांव में बात हो रही है, वो जो मंगल है ना वो अमंगल हो गया है, उसका बेटा गुलाब भाग गया। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया गुलाब जी के साथ, मैं तो एक मामूली सा कारीगर हूँ, दिहाड़ी करके घर चलाता हूँ, मैं क्या किसी को गायब करूँगा। और मैडम, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी गलती नहीं है, गलती मनीष की थी, मैंने तो उसको रोका भी था, उसके चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। ये तुम्हारा दोस्त मनीष पांडे, कहाँ है वो? फोन क्यों बंद आ रहा उसका? मैडम बात तो हमारी भी नहीं हो पाई थी मनीष से, उस दिन अचानक से आया और बोला देवास जा रहा है। देवास? ऐसे अचानक से? वो देवास में वहाँ काम मिला है माँ। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, जो काम गया उससे अच्छा काम मिलेगा, तो फालतू में उस गुलाब पर गुस्सा कर रहा था। माँ गुलाब का नाम मत लेना, उसी की वजह से सारी परेशानियाँ शुरू हुई। गुलाब, चलो मैं चलता हूँ। मनीष को देवास के किस एरिया में काम मिला है और किस चीज का काम मिला है ये सब तो बताया नहीं उसने, बस देवास में काम मिला इतना बताया। कब की बात है? अभी 2 दिन पहले। मतलब 13 सितंबर की रात को गया वो? हाँ। गुलाबचंद और मनीष के बीच झगड़ा होता है, गुलाब मनीष को नौकरी से निकलवाता है, और कुछ दिन बाद 13 सितंबर को गुलाब अपने घर पर नहीं लौटा, और उसी रात मनीष भी गाँव छोड़कर चला जाता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक का तो पता नहीं सर, लेकिन ये एक सिंपल मिसिंग केस तो नहीं लग रहा। तो ये मनीष हाथ लगे तो शायद कोई और एंगल सामने आए। सो देवास पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, मनीष की फोटो भी भेज दी उनको। गुलाब की पत्नी मधु ने जो इल्जाम लगाया उसमें कोई सच्चाई? सर मधु के अलावा किसी और ने गुलाब के अफेयर के बारे में जिक्र तक नहीं किया, वो कितना सच बोल रही है पता नहीं। हमें कोई लीड नहीं छोड़नी चाहिए, खबरियों को काम पे लगाते हैं, पता करते हैं इस अफेयर की बात में कितनी सच्चाई है। जी सर। गुलाब की बाइक का क्या हुआ, उसके बारे में कोई खबर? पता कर रहे हैं सर, पर अभी तक कोई लीड नहीं मिली। बाइक गांव के बाहर तो नहीं गई, चोर बाजार में भी बात हुई है मेरी, पर ये बाइक अभी तक कहीं भी पहुंची नहीं है। सर, 13 सितंबर को गुलाब का फोन थाड़ेर गांव में शाम 6:30 बजे बंद हुआ था। और से दूसरी बात, मधु सही बोल रही थी, 13 सितंबर की सुबह 2 बजे गुलाब को किसी नगमा सैयद से फोन आया था, और उन दोनों की फोन पे 5 मिनट बात हुई थी। पर सर ये कोई पहला कॉल नहीं था, पिछले 2 महीने से नगमा और गुलाब फोन पे बात कर रहे हैं, खासकर रात के वक्त। इस नगमा के बारे में कुछ पता चला, कौन है, कहां से है? हाँ सर, वो भी थाड़ेर गांव से ही है, और सर उसकी भी कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, और सर उनसे ये पता चलता है कि उसका भी फोन 13 सितंबर को इसी गांव में बंद हुआ। शायद गुलाब इसी के साथ भागा,
झूठ है ये। गुलाब का किसी दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस को गुलाब के फोन रिकॉर्ड से एक औरत का नंबर मिला। वो कह रहे हैं कि गुलाब की उससे लगातार बात होती रहती। मैं नहीं मान सकती कि गुलाब किसी दूसरी औरत के साथ भाग सकता है। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा? मैं झूठ नहीं कह रही थी। झूठा आपका आदर्शवादी बेटा निकला, धोखा दे रहा था मुझे। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए घर की इज्जत उछालने। अरे क्या जरूरत थी पुलिस के सामने जहर उगलने की? मैंने पुलिस के सामने सिर्फ सच कहा है, और घर की इज्जत तो आपके बेटे ने उछाली है। अब आगे आगे देखिए क्या क्या कारनामे सामने आते हैं। अरे नलिनी कैसी हो? घर सेट हो गया तुम्हारा? हाँ आंटी सब सेट हो गया। मैंने घर पे पूजा की थी, आपके लिए प्रसाद लाई। तुम्हारे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे? सब कुछ अकेली कर रही हो क्या? नहीं आंटी ऐसा नहीं है, उनका नया काम है ना, इसलिए टाइम पर आना जाना पड़ता है। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही मंजूर नहीं था। देख लिया अपने गुलाब का रंग, अच्छा हुआ गायब हो गया वो। क्या बोल रहा है बिरजू? सोचा अगर दामाद जी वापस नहीं आए तो मधु का क्या होगा? तू? अगर वो वापस आ जाता है तो क्या मधु को उसके साथ रहने देंगे? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको गुलाब की इतनी चिंता क्यों है। मैं तो चाहता हूँ वो वापस ना आए। अगर वो वापस आ जाए तो मेरे हाथ उसका खून ना हो जाएगा। विक्रांत बेटा समझा इसको, कुछ भी बोलता है। अरे मधु की शादी हुई है गुलाब से, रिश्ता ऐसे टूटता है क्या? देखिए चाचा जी मुझे भी यही लगता है कि मधु ने उस गुलाब को छोड़ देना चाहिए, वही ठीक होगा। अभी भले बिरजू ने गुस्से में कहा हो लेकिन उसकी बात गलत नहीं। आप हजार बार मुझसे पूछोगी मैं हजार बार यही कहूंगा कि हम किसी गुलाब को नहीं जानते, और मेरी बहन भी उसे नहीं जानती। और हाँ वो अभी हमारे खाला घर गई है उज्जैन। फिर नगमा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? बात करवाओ उससे। फोन बिगड़ गया था इसलिए बंद आ रहा है, आने के बाद बात कर लेना आप। नगमा की माँ, अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो नगमा की माँ से क्यों नहीं बात करने दे रहे हैं? अजीब जबरदस्ती है, बोला ना अम्मी की तबीयत खराब है। आपने जो कुछ पूछा बता दिया ना, अब क्या बात करनी है? फारूक जी देखिए हमें किसी की इज्जत उछालने का कोई शौक नहीं, लेकिन हमारे लिए नगमा कहाँ ही जाना बहुत जरूरी है। सच बता दीजिए तो शायद आपकी नगमा आपको मिल जाएगी। नगमा बेटा तेरे इस तरीके के कपड़े आ गए, संभाल के रख ले अलमारी में। लगता है कंप्यूटर क्लास से आई ही नहीं है अभी तक। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं एक दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती हूँ और मुझे मालूम है कि आप मेरा निकाह उससे हरगिज नहीं करवाएंगे। मैं वापस नहीं आऊंगी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, और हो सके तो मुझे माफ कर देना नगमा। आज अपनी अम्मी पर इतना प्यार? मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ अम्मी। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए। किस मुंह से बिरादरी को बता दे कि हमारी लड़की भाग गई, इसीलिए झूठ बोल। सुनो फैजल, सुनो बात। बेटा बेटा रुक 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 जा रुक जा बोल रहा रुक रुक जा रुक जा बोल रहा। हम पहले ही हर जगह ढूंढ चुके लेकिन कहीं कुछ ना मिला। वो लड़का कौन है और भागकर दोनों कहां गए हैं? और अगर पता चल जाता ना तो अखबार में फोटो आता दोनों की लाशों का। वो कंप्यूटर सीखना चाहती थी तो हमने कंप्यूटर क्लास में उसका दाखिला करवा दिया। 13 तारीख को वो क्लास के लिए ही निकली थी पर लौट के नहीं आई। फिर उसकी सहेली से पूछा तो उसने बताया कि वो क्लास में आए ही नहीं। मैडम कमरे में कुछ नहीं मिला। ये नगमा कौन से कोचिंग सेंटर में जाती थी? हसन कंप्यूटर ट्रेनिंग से, कमला नगर में। और अगर वहां से अगर आपको कोई जानकारी मिली ना तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे अपनी बहन और उस गुलाब से मिलने की ना बड़ी तमन्ना है। फैजल तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब। पुलिस के सामने खड़े हो तुम। ये नगमा की सहेली का क्या नाम है? दृष्टि, यही पास में रहती है।
लेकिन उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, हमने पहले उससे सारी जानकारी ले ली है। हमें तरीका आता है फैसला। पूरी संभावना थी कि गुलाब चंदेल नगमा के साथ एक प्लानिंग के तहत फरार हुआ था, पर क्या वाकई में ऐसा ही हुआ था या फिर महज ये एक छलावा था, किसी और की रचाई हुई साजिश जिसमें गुलाब के शामिल होने का भ्रम फैलाया जा रहा था। क्या था असली सच? आखिर पुलिस के हाथ एक ठोस एंगल लगा था जिससे इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिलने वाली थी। सर, गुलाब के फोन लोकेशन के हिसाब से उसका मोबाइल इसी एरिया में बंद हुआ था। वो इसी रास्ते से काम पे जाता था। ध्यान से ढूंढो, वहाँ जंगल में ठीक से देखो, बाइक यहीं आसपास होनी चाहिए। लेकिन वैद्य जी, मेरी तो लड़के के पिताजी से अच्छे से बात हो चुकी थी, इस हफ्ते आने वाले थे वो पार्वती को देखने के लिए, फिर अचानक ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? ऐसा क्या हो गया? ठीक है, कुछ हो तो बताइएगा। जी सर, नगमा और मैं एक ही कंप्यूटर क्लासेस में थे और हम 2 साल से दोस्त थे, लेकिन इन 2 सालों में उसने मुझे किसी अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो दूसरे धर्म के लड़के के बारे में पता होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसी बात छुपती कहाँ डिस्ट्रिक्ट? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि नगमा की जिंदगी में कोई लड़का है? आज क्लास में बहुत नींद आ रही थी मुझे। कौन था वो लड़का? लड़का? कौन सा लड़का? तो किसकी बात कर रही है? कौन सी बाइक? उसका नंबर, कलर कुछ याद है? नंबर तो याद नहीं है सर, लेकिन लाल और काले रंग की, काले रंग की थी। क्या ये बाइक थी? लग तो वैसी ही रही है सर। और ये लड़का, इसे देखा था नगमा के आसपास? नहीं सर, मैंने नगमा से इसके बारे में पूछा भी था। सच सच बता नगमा, किससे चैट करती रहती है हर वक्त, कौन है वो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, और मुझे ना अपनी जान प्यारी है। तू तो जानती है ना फैसल भाई के गुस्से को, पिछले बार की मार भूली नहीं हूँ मैं अब तक। फैसल अपनी बहन को मारता था? हाँ सर, एक दिन हम क्लास में पार्टी कर रहे थे तो नगमा को घर पहुंचने में देर हो गई, तो फैजल ने उसे बहुत मारा सर। सर, नगमा की फैमिली बहुत दकियानूसी है, बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें कंप्यूटर क्लासेस के लिए मनाया था। सर, फैजल बहुत गुस्से वाला है, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है, अगर उसे पता चल गया कि नगमा किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है, पता नहीं क्या करेगा। मैं हूं गुलाब का पिता, क्या काम है? ये कौन हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? बोल, कहां तेरे बेटे बुड्ढे हैं? हां, और कहां भगा के ले गए मेरी बहन? बोल, मुझे नहीं पता गुलाब कहां है। छोड़ो छोड़ो इन्हें, कौन हो तुम लोग कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, ये तुम्हारे पिता की उम्र के, इन पर जोर रखोगे? छोड़ो, अभी क्या, अभी निकलो यहां से। अभी जा रहा हूं, गुलाब मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। सर, यहाँ से तो सब कुछ साफ दिख रहा है कि नगमा और गुलाब ने भागने का प्लान बनाया था, और इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस बात की भनक किसी को ना लगे। लेकिन हमें कंफर्म करना चाहिए कि क्या गुलाब और नगमा भागने में कामयाब हुए भी हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले किसी को कुछ पता चल गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है गुलाब। नगमा इस वक्त सिर्फ दृष्टि पे भरोसा कर सकती है। चांसेस है कि यहाँ की खबर लेने के लिए नगमा दृष्टि को कांटेक्ट करेगी या करती होगी? सर, हमने दृष्टि के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, उसका फोन टैपिंग पे डाल देते हैं। अगर ये गुलाब और नगमा सच में साथ भागने में कामयाब हुए हैं तो बड़ी तगड़ी प्लानिंग की होगी इन दोनों ने। ना तो नगमा की कोई खबर है और ना ही गुलाब ने कोई सुराग छोड़ा है, उसकी बाइक भी नहीं मिल रही, पर गाँव से बाहर नहीं गई तो कहीं तो मिलनी चाहिए गुलाब की बाइक। गुलाब चंदेल की बाइक का दफन होना इस तरह इशारा कर रहा था कि गुलाब के साथ ही कुछ बुरा हुआ।
इस बाइक के मिलने से हमारी पूरी थ्योरी पलट गई। अगर गुलाब नगमा के साथ गया था तो इस तरह बाइक दिखाने का क्या मतलब है? शायद गुलाब अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता हो, या फिर उनके प्लान के बारे में किसी को पहले ही पता चल गया हो और सामने वाले ने भी एक और प्लान बनाया हो। चांसेस है कि गुलाब का प्लान सक्सेसफुल हुआ ही ना हो। मधु अंदर जा, अपना सामान लेकर तुम्हारे साथ चल रही है। इनका बेटा तो अयाशा कर रहा है, उसने तो अपने माँ बाप की परवाह की नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी इनकी सेवा में खपा रही है। तुलसीदास जी, हमने पुलिस में खबर की है, उस लड़की नगमा का भाई दोबारा हमारे यहाँ नहीं आएगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसे पर ही तो अपनी बेटी आपके घर में आई थी, लेकिन आपका लड़का घर छोड़कर भाग गया, पता नहीं वापस आएगा कि भी नहीं। आपको आपके बेटे गुलाब को समझाना चाहिए था, उसने आपके बारे में नहीं सोचा, मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे किसी के बारे में? मधु जा, सामान लेके अपना, तुम्हारे साथ चल रही अभी के अभी। गुंडागर्दी का बहुत शौक है तुझे, गुलाब और नगमा कहाँ हैं? उन्हें तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, एक बार मिल गए ना तो छोड़ूंगा नहीं, अपनी बहन नगमा को भी नहीं, पूरी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत की जो। ए फैजल, नाटक बंद कर दे रहा, और चुपचाप बता क्या हुआ गुलाब के साथ? हमें बाइक मिल गई उसकी। कौन सी बाइक? मैं तो मिला नहीं गुलाब से। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, और बहुत जल्दी तू सच भी उगलेगा। जब तक सच नहीं बोलता यहां से बाहर नहीं जाएगा ये। फैजल से ये 13 सितंबर को कहाँ पे था उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे जल्द से जल्द। उसे ज्यादा वक्त तक हम कस्टडी में रख नहीं पाएंगे। मिल जाएगा बड़ा। ऐसे कब तक रखेंगे आप लोग यहाँ पर? मुझे बात करनी है। ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे निकालो यहाँ से। गुलाब की बाइक दफन मिली है, इसका क्या मतलब है साहब? इन्वेस्टिगेशन चालू है मंगल जी। बाइक का मिलना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि शायद गुलाब खुद से कहीं नहीं गया, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। मेरे बेटे को ढूंढिए साहब, उसकी माँ बहुत परेशान है, हमारी बहू घर छोड़कर चली गई है, सारे गांव में बदनामी हो रही है, उसे कैसे भी करके ले आइए, सही सलामत ले आइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। ये क्या कर रहे हो साहब आप लोग? मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया जो उसे अंदर डाल दिया? आपके बेटे ने गुलाब के घर में घुसकर उसके पिता से हाथापाई की, उन्हें धमकी दी, इसीलिए उसे उठाया है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं उससे, जितनी जल्दी जवाब देगा उतनी जल्दी फैजल को जाने देंगे। गुलाब के पिता ने कंप्लेन लिखवाई है? कॉपी दिखाइए। ये आपने मर्जी से उठा लिया फैजल? देखिए, मैं अपने बिरादरी तक जाना नहीं चाहता, वरना आप जानते हैं ये केस क्या मोड़ ले सकता है। अगर आप मजबूर करोगे तो मैं बड़े साहब से लेकर अपनी बिरादरी तक गुहार लगाऊंगा, सोच लीजिए। सर, ये फैजल की कुंडली निकाली मैंने, मैडम ने जो डेट बताई थी 13 सितंबर, उस दिन ये अपने बाप की जूते की दुकान पर ही था। कुछ तो छूट रहा है हमसे, मुझे पूरा शक है कि फैजल को गुलाब और नगमा के प्लान के बारे में पहले से पता था, हो ना हो इस कांड में वो जरूर शामिल है। सर, मैं गुलाब और नगमा की पिछले 6 महीने की फोन रिकॉर्ड चेक कर रहा था, इन दोनों के रिकॉर्ड में एक कॉमन नंबर मिला है, कोई धीरज कुमार का। धीरज कुमार? जी सर, लेकिन ना गुलाब के दोस्त राजेश और ना नगमा की फ्रेंड दृष्टि को पता है कि धीरज कौन है। नगमा और गुलाब के घर वालों ने भी नाम नहीं सुना है। लेकिन सर, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस धीरज कुमार का फोन भी 13 सितंबर से ही बंद है। अब ये कौन सा एंगल है कहानी में? इस धीरज का एड्रेस निकालो और उठाओ उसको। एक साजिश रची गई थी और उस साजिश का शिकार गुलाब चंदेल का परिवार हुआ था। हेलो, धीरज गुरुग्राम में? हाँ सर, उसकी नौकरी लग गई है वहाँ। यहाँ से कब गया वो? 13 सितंबर को। उसका नंबर क्यों बंद है? उसको अपना नंबर बदलना था, इसलिए पुराना वाला नंबर बंद कर दिया। और नया नंबर क्या है उसका? ये धीरज ने अभी दिया नहीं। मतलब 13 सितंबर को यहाँ से धीरज के जाने के बाद आपकी अभी तक कोई बात नहीं हुई इससे? नहीं, बात हुई थी। वो इसने PCO से फ़ोन किया था, कहा था कि जल्दी उसे नया नंबर मिल जाएगा, लेकिन पहले उसे किराए का मकान लेकर उसका एग्रीमेंट जमा करना पड़ेगा। एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं, पर उनसे मिल कुछ नहीं रहा। हर जगह से अंधेरी गली है, रोशनी का नामो निशान नहीं। अगर एक कड़ी भी मिल जाए ना
तो पूरी चेन हाथ में आ जाएगी। हेलो सर, आखिर एक कड़ी मिली गई। क्या मिला? नगमा के दोस्त दृष्टि ने गुरुग्राम में एक नंबर पे कॉल किया है। वो नंबर किसी नलिनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। एड्रेस है कालरा हाउसिंग सोसाइटी। धीरज भी गुरुग्राम ही गया हुआ ना? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि दृष्टि गुरुग्राम में किसी से बात कर रही है। पूरे चांसेस हैं कि गुलाब और नगमा को भगाने में धीरज ने मदद की होगी, और नलिनी भी इस सब से कहीं जुड़ी हुई है। एक काम करो, तुरंत गुरुग्राम पुलिस को सारी डिटेल्स भेजो। तुम दोनों भी गुरुग्राम के लिए निकल जाओ। दृष्टि या किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें कोई लीड मिली है। ये नलिनी जो भी है, वही हमें इस केस में नई दिशा देगी। गुलाब चंदेल का गायब होना वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दिख रहा था। तुम आ गई, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। ये मिसिंग केस एक ऐसा मोड़ लेने जा रहा था जो इस केस को और पेचीदा करने वाला था। नगमा, तुम्हारा हस्बैंड गुलाब का है? नगमा, क्या क्या बोला तुम्हें? नलिनी? नलिनी कौन है? क्या हुआ धीरज? ये लोग मुझे अच्छा? तो ये धीरज भी तुम्हारे साथ है? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है मतलब? मैं हस्बैंड हूँ इसका। नगमा तुम्हारी वाइफ है? हाँ, हम दोनों ने कानून में शादी की है, कुछ गलत नहीं किया है। धीरज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या अफेयर धीरज और नगमा के बीच में है? वो दोनों गुरुग्राम गए, तो फिर गुलाब कहाँ है? पुलिस के सामने अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने अब तक की सारी थ्योरीज को पलट कर रख दिया, और फिर से ये सवाल उठने लगा कि आखिर गुलाब के साथ क्या हुआ था। क्या इस सवाल का जवाब धीरज और नगमा पुलिस को दे पाएंगे, या फिर कोई ऐसी जानकारी सामने आएगी जो फिर से पुलिस को गुमराह कर देगी? गुलाब दोस्त है मेरा। दरअसल मैं एक कारखाने में अकाउंटेंट की जॉब किया करता था, और वो कारखाना उसकी फैक्ट्री यूनिट के पास में ही था। नगमा प्लीज रोना बंद करो और दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो मार देंगे मुझे, फिर क्या करोगी? हेलो हेलो, तू इतना डरता क्यों है? प्यार ही करता है ना। अरे प्यार में तो इंसान सारे जमाने से अकेला लड़ जाता है। यार ये सब ना फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में हीरो हीरोइन नहीं मिलते हैं, सिर्फ उनकी लाशें मिलती हैं, पानी में तैरती हुई या पेड़ से लटकी हुई। कोई साथ नहीं देता है। अच्छा एक बात बता, तू नगमा से सच में प्यार करता है? यार मैं पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ उसके साथ। ठीक, मैं साथ दूंगा तब पक्का। उन्होंने बड़े भैया की तरह हमारी मदद की, हमें सब समझाया, और 13 सितंबर को भागने का पूरा प्लान गुलाब भैया का ही था। उनकी मदद के बिना हम ये नई जिंदगी कभी नहीं शुरू कर पाते। धीरज ये ले, ये पकड़ पैसे, और ये तुम्हारी बस की टिकट है। यहाँ से इंदौर चले जाना, और ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट है दिल्ली तक का। ठीक है, दिल्ली जाके ऑटो पकड़ना और गुरुग्राम चले जाना। इसमें एड्रेस भी है, कालरा हाउसिंग सोसाइटी का। मैं बात की है तुम दोनों के रुकने की। कुछ जाली आईडीज बनवाए तुम दोनों के नाम के। अब तुम धीरज और आज से तुम नलिनी। यार गुलाब, यार तूने इतना सब कुछ किया है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई बात नहीं। थैंक यू गुलाब भैया, आप हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। अरे अब ये सब बातें छोड़ो और निकलो जल्दी। ठीक है, ये सब बातें बाद में होती रहे, और अपने अपने फोन फेंक देना। ठीक है, चलो जाओ जाओ। मैं 6-7 महीने बाद सामने से आकर मिलूंगा तुम दोनों से। मतलब गुलाब तुम्हारे साथ नहीं है, पर वो तो 13 सितंबर से ही मिसिंग है। नहीं, गुलाब तो वहीं थाडेर गांव में रुक गया था। और 13 सितंबर की शाम को तुम लोग गुलाब से आखिरी बार मिले थे, उसके बाद बात तक नहीं हुई। नहीं, शायद हमारी तरह नगमा का भाई फैजल भी धोखा खा गया हो, और उसने गुलाब को नगमा का बॉयफ्रेंड समझ के मार दिया हो। पॉसिबल है सर, उसने सोचा होगा कि अगर गुलाब मर जाएगा तो नगमा भाग ही नहीं पाएगी,
लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि नगमा गुलाब के साथ नहीं धीरज के साथ भागने वाली थी। खबरी अतुल ने कंफर्म किया था कि 13 सितंबर को फैजल पूरा दिन अपनी दुकान में था और उसका फोन लोकेशन भी उसकी दुकान की थी। किसी और से भी तो करवा सकता वो, शायद गुलाब का कोई और भी दुश्मन। माफी चाहता हूं मंगल सिंह जी, पर हालात ही ऐसे थे। पुलिस को भी यही लग रहा था कि गुलाब उस नगमा के साथ कहीं भाग गया, पर अब पता चल रहा है कि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे। देखिए भाई साहब, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। मैं बात करता हूँ, आपकी बहू आपके घर वापस आ जाएगी और पुलिस भी जल्दी ढूंढ लेगी दरवाजे। गुलाब को पहचानने में हमसे भूल हो गई बेटा, क्या सोचा है तुम, ससुराल वापस जाओगी? पापा चाहते हैं मधु को वापस अपने ससुराल चले जाना चाहिए, उनके लिए उनका दामाद दामाद नहीं है, कोई मसीहा है, तो पिछड़े प्रेमियों को मिलाकर बड़ा पुण्य कमा रहा है वो। जो भी हो, वो गुलाब तो अब भी गायब है ना। मधु क्या कह रही है? कुछ बोल ही तो नहीं रही है वो, पता नहीं उसके मन में भी क्या चल रहा है। ये केस हमें गोल गोल घुमा रहा है, शायद कुछ जरूरी है जो छूटा है हमसे, पर पता नहीं क्या। मेरे ख्याल से हमें इस केस को फिर से शुरुआत से देखना चाहिए। सर हमें गुलाब के बारे में और पता करना चाहिए, शायद पहले इसके साथ कुछ हुआ हो जो अब जाके सामने आ रहा है। और सर वो यूनिट वर्कर मनीष पांडे जिसका गुलाब के साथ झगड़ा हुआ था, वो भी अभी तक हमें नहीं मिला। पर सर पता चला है कि मधु गुलाब का घर छोड़ के अपने माँ बाप के पास वापस लौट आई। इन दोनों फैमिलीज के बीच कुछ है, मधु पे भी नजर रखनी होगी, शायद उसकी फैमिली को कुछ पता है जो वो हमें बता नहीं रहे। सर दो दिन दीजिए मुझे, ये मधु और गुलाब की फैमिली की फुल रिपोर्ट ला के देता हूँ। मैंने सुना कि तू गुलाब के घर वापस जा रही है। जाना पड़ेगा ना, मेरा बदला भी अधूरा है। लेकिन मधु अब पुलिस भी जानती है कि गुलाब नगमा के साथ नहीं भागा है। अब पुलिस पहले तुम्हारे पीछे आएगी और बाद में बिरजू के। इसलिए इस वक्त मेरा उस घर में जाना सभी के लिए सही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम गुलाब के घर वापस चले जाओ। बच्चे मत बनो विक्रांत, दिमाग से काम लो। ये कब तक चलता रहेगा और हम अपने बारे में कब सोचेंगे? वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन तब तक सब्र रखो और नाटक करते रहो। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सारी बातें बताते रहना और नॉर्मल कॉल मत करना, हमेशा की तरह चैटिंग ऐप से कॉल करना। तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ, तुम्हारे भाई का फैलाया हुआ रायता भी समेटना है। किसी को चोट पहुंचाने की चाह दर्द देने की, वो दर्द जो कभी किसी ने महसूस किया हो उसी इंसान से जिसे वो तकलीफ देना चाहता हो, मगर अंजाम किसे भुगतना पड़ा। तेरह सितंबर को घर से निकला गुलाब चंदेल अब तक मिसिंग था। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन कौन था जो गुलाब के साथ बुरा कर सकता था और क्यों? वर्तमान की कुछ बातों का पता चला था, लेकिन अतीत में अब भी बहुत कुछ छुपा हुआ था।
कुछ चेहरे सामने थे और कुछ अब भी पर्दे के पीछे। मिसिंग केस की तरह शुरू हुआ यह केस इतने घुमावदार मोड़ के बाद फिर से वहीं पहुंच गया जहां से यह शुरू हुआ था। पुलिस इस केस की तह तक कैसे पहुंची ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद। और हम अपने बारे में कब सोचेंगे? वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन तब तक सब्र रखो और नाटक करते रहो। ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद सारी बातें बताते रहना और नॉर्मल कॉल मत करना, हमेशा की तरह चैटिंग ऐप से कॉल करना। देख बेटा, तुमने बहुत सताया उन्हें, अब थोड़ा सहना सीख। वो तुम्हारे सास ससुर हैं, माँ बाप जैसे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। भगवान करे गुलाब भी जल्दी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेचू, देख पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है, तुझसे भी करेगी। तू बस शांत रहना और जैसा विक्रांत कहेगा ना बिल्कुल वैसा ही कहना। मधु, तू मुझे मत सिखा मुझे क्या बोलना है, बच्चा नहीं हूँ। अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है उसके ऊपर, वो समझा रही है ना तुझे। मेरी मर्जी, मेरी बहन है वो, तू मुझे सिखाएगा मुझे अपनी बहन से बात कैसे करनी है। फिर जो तू विक्रांत से ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे यार मुझे जाना ही नहीं है, रोक रिक्शा। अरे रिक्शा रोक। अरे रुक, बिरजू मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ, जो तुम्हारे दिल में आता तुम करो। अरे बिरजू क्या कर रहा है तू? बिरजू बिरजू सुन, इसका गुस्सा ना एक दिन भरवाएगा सबको। 13 सितंबर को गुलाब हर दिन की तरह काम पर जाता है। शाम 6 बजे वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है और उसके आधे घंटे बाद 6:30 बजे उसका फोन बंद हो जाता है और तब से लेकर आज तक वो मिसिंग है। सर गुलाब खुद से कहीं नहीं गया, वरना उसकी बाइक जंगल में गड़ी हुई नहीं मिलती, ये किसी और का काम है। सर पहला संदिग्ध मनीष पांडे, गुलाब की वजह से मनीष पांडे की नौकरी गई और मनीष भी 13 सितंबर से गायब है। मेरी देवास में मानिक नगर पुलिस से दोबारा बात हुई, वो पूरे इलाके में तिहाड़ी मजदूरी करने वालों के बीच पता कर रहे हैं। दूसरी मधु, मुझे नहीं लगता मधु को अपने पति के आने या ना आने से ज्यादा फर्क पड़ता है। मधु के पिता और भाई बिरजू, इन दोनों को भी अच्छे से खंगालते हैं। सर मधु के बारे में एक गौर करने वाली बात है, गुलाब और नगमा के अफेयर का चारा सबसे पहले उसने ही हमारी तरफ फेंका था। इन दोनों परिवारों के बीच कुछ है जो हमें नहीं पता, जो शायद हमें कोई लीड दे सके। इसके अलावा धीरे से दोबारा बात करो, गुलाब से अच्छी दोस्ती लगती है उसकी, शायद गुलाब ने उसे कुछ बताया हो। सर गुलाब अपने बारे में ज्यादा बात ही नहीं करता था, बस हम दोनों की परेशानियों के बारे में ही बातें होती थी, उसने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, और कुछ ज्यादा है तो हमें फोन करना। ठीक है। गुलाब भैया जैसे भले इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ए राघव, असलम से जरा पूछना बाकी के पैसे कब देगा। चार्ज देने थे 10,000 दिए अभी। क्या खुसुर-फुसुर चल रही है, काम पे ध्यान नहीं तुम लोगों का? साले सारे सुपरवाइजर ऐसे ही भौंकते हैं क्या? इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। गजेंद्र मौर्य नाम का एक आदमी है जो अपनी बेटी के साथ यहीं थाड़ेर गांव में रहता है। गजेंद्र मौर्य? जी सर। अभी कुछ दिनों पहले ये गजेंद्र अपने घर के पीछे बड़ा सा खड्डा खोद रहा था, पड़ोसी ने आवाज सुनी। इससे गुलाब का क्या लेना देना? लेना देना है सर, गजेंद्र और गुलाब का बाप मंगल दोनों पुराने दोस्त थे, अभी कुछ महीनों पहले इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। क्या बकवास कर रहा है तू मंगल? अरे तेरा बेटा अगर सुपरवाइजर बन गया तो सोने में तुलवा देगा इसको क्या? देख लेन देन की सारी बात हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, पीछे मत हट। वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ गजेंद्र, पीछे मत हट। मेरे बेटे का अब समाज में एक रुतबा है, अब ये सब कमाने के लिए दाम तो देना पड़ता ना। अरे मैं क्या, तू और तेरी झूठी शान। अरे तू मना कर देगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्या? तो जा कर लेना, रोको ना तुझे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटे के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है, 100 गांव में भी ढूंढेगा ना गुलाब जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। बहुत गुरूर है ना तेरे को इसके ऊपर? तेरा गुरूर तोड़ूंगा मैं और तोड़ के ही दम लूंगा। इनकी दोस्ती के बारे में पूरे गांव को पता था और अभी दुश्मनी के चर्चे भी हर जगह हैं।
एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे लोग। ये क्या तरीका है? ये मेरी जमीन है, यहाँ गड्ढा खोदूं या दीवार बनाऊं मेरी मर्जी, आपको क्या? और नियम कानून जानता हूँ मैं भी, कायदे से आप मेरे घर में घुस के मेरी चीजों को खराब नहीं कर सकते। कायदे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी सीधे तरीके से काम करने आए करने दी। मधु आ गई? हाँ मौसी, पर यह ताला लगा है, माजी कहाँ गई? वो तुम्हारे सास ससुर गजेंद्र मौर्या के यहाँ गए हैं, वहाँ पुलिस आई है, लोग कह रहे थे कोई लाश दफन है वहाँ। मंगल, डर लग रहा है ना? अच्छा है। बंद कर गजेंद्र। मंगल, मुझे नहीं पता था तू बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग, अभी पता चल जाएगा गड्ढा क्यों खोदा गया था। ये तो बछड़ा है। मेरी भैंस का बच्चा पैदा होते ही मर गया था, उसको यहाँ गाड़ दिया मैंने। तो ये सब पहले नहीं बता सकते थे तुम? ये बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मुझे इस आदमी के चेहरे पर डर देखना था, कुछ तो सुकून मिला। इसने जो मेरी पार्वती के साथ किया है ना, कभी माफ नहीं करूंगा इसको। वो तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था, कैसी लगी? बहुत सुंदर है पार्वती। किस कर लूं तुम्हें? डरो नहीं, वो अंग्रेजी वाला किस नहीं, सिर्फ गाल पर। अच्छा हाथ पर? माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा तो, मैंने सोचा हमारी शादी होने वाली है तो शायद तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आजकल हिंदी फिल्मों में भी अंग्रेजी वाला किस करते हैं ना? सोलह साल की थी तब से यही जानती थी कि मेरी शादी गुलाब से होगी। जब तुम दोनों राजी थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, सगाई भी हो गई थी, तो शादी क्यों नहीं हुई? गुलाब ने नहीं की, सगाई के कुछ महीने बाद ही उसकी नौकरी लग गई, फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गया, बस उसके बाद सब बदल गया। अरे भाई, अब दामाद जी सुपरवाइजर बन गए हैं, और मैं सोच रहा हूँ अगले महीने की 18 तारीख को शुभ मुहूर्त है, उस दिन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी तो हो ही जाएगी गजेंद्र, जरा लेन देन की बात तो कर ले। यार लेन देन की बात तय हो चुकी है, मुझे मालूम है शादी का पूरा खर्चा और 5 लाख दे दूंगा, और शादी से पहले दूंगा। गजेंद्र, गुलाब अब सुपरवाइजर बन गया है, सुपरवाइजर का मतलब समझता है, सारे काम का जिम्मा अब उसका होगा। मालिक तो नहीं, लेकिन मालिक से कम रुतबा भी नहीं है उसका। अब 5 लाख में काम नहीं चलेगा, सुपरवाइजर का 10 लाख तो बनता है ना। यार क्या बोल रहे तू मेरे बारे में तो सोच, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा? भाई साहब, आपसे हो सकता है तो ठीक है, पर ना गांव भर से ढेरों रिश्ते आ रहे हैं हमारे गुलाब के लिए। गजेंद्र, गुलाब से बढ़िया लड़का तुझे पार्वती के लिए मिलेगा नहीं। अब अगर रिश्ता टूट गया तो पार्वती का सोच। अच्छा, तो पार्वती से शादी होने वाली थी गुलाब की, पहले दहेज नहीं दे पाई इसलिए बच गई बेचारी। तू, आपने उस गजेंद्र को देखा कैसे सबके सामने मुस्कुरा रहा था? हमारे लापता बेटे का मजाक उड़ा रहा था। कैसे शैतान आदमी से दोस्ती थी आपकी? कहीं उसी ने तो हमारे गुलाब को कुछ कर नहीं दिया होगा ना? कर सकता है गजेंद्र, इस बात को इतना वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी उसकी आंखों में मुझे वही नफरत दिखाई देती है। नफरत करता हूं उस मंगल से मैं, पैसों के लालच में उसने परसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी, मेरी बेटी का दिल तोड़ा,
शादी तोड़ दी, मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने। और गुलाब, उसने कुछ नहीं कहा मंगल से? गुलाब तो बस नाम था उसका, भीतर से तो कांटा था बबूल का, हुआ अपने बाप की तरह पैसों का लालची। मेरी बेटी को गलत फहमी थी कि वो उसे प्यार करता है। प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता, वो भी तो सही बोल रहे हैं। उन्होंने क्या गलत मांग रखी है? कैसी बातें कर रहे हो? पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम्हारे वो खेत है ना, उनको बेचकर बड़े आराम से आ जाएंगे। उस खेत से घर चलता है हमारा। पार्वती समझो, हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं, तुम्हें बस अपने पापा को मनाना है और फिर सब सही हो जाएगा। मैंने तुम जैसा लालची और खुदगर्ज आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी खुद की कमाई से एक बाइक खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगले एक महीने में उन लोगों को बाइक और 10 लाख रुपए देने वाले लोग मिल गए, गुलाब की शादी हो। तो तुम्हारे और गुलाब की शादी टूटने की वजह से तुम्हारे पिता की तो काफी बदनामी हुई होगी, काफी गुस्सा आया होगा तुम्हें गुलाब और उसके परिवार पर। आया, बहुत आया, और किसी को भी आता। तो इसलिए तुमने और तुम्हारे पिता ने गुलाब के साथ कुछ कर दिया, मार दिया उसे। करो ना, बहुत कुछ चाहता था मैं, लेकिन ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज नहीं होती है। देखिए ना, पूरा 1 साल नहीं हुआ शादी की है और गुलाब गायब हो गया। छुपी तो होगी ये बात कि जो सुख आपकी बेटी को नहीं मिला वो गुलाब को मिल गया। मधु के साथ उसने सुखी परिवार जो बसा लिया था। जो होता है अच्छा होता है, और मधु को क्या हासिल हुआ उस शादी से? दुख। गुलाब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उस मधु को मानना पड़ेगा। डरी नहीं वो, गिराजपुरा पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट लिखाई उसने, वहां से पुलिस आई और गुलाब को उठा के ले गई। हाँ सर, ये 6 महीने पहले का केस है। गुलाब की पत्नी मधु ने गुलाब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का कंप्लेंट किया था। अरे दहेज उत्पीड़न की कंप्लेंट किया आपकी बहू ने गुलाब के खिलाफ। दोनों परिवारों के बीच कोई समझौता हो गया था तो मधु ने केस वापस ले लिया था। इतना बड़ा कांड, दहेज का केस हो गया गुलाब के खिलाफ, वो अरेस्ट हुआ था, और ये बात ना तो मंगल ने हमें बताई और ना ही मधु ने। और सर, गुलाब की फैमिली ने कहा था कि गुलाब की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और अब ये गजेंद्र वाला एंगल सामने आया। गजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, हो सकता है किसी को सुपारी दी हो गुलाब को गायब करवाने के लिए, और ये मधु और मंगल से दोबारा पूछताछ करते हैं। सर, देवास के मानिक नगर पुलिस का फोन था, मनीष को ट्रेस कर लिया, उनकी हिरासत में। आखिरकार लगने लगा था कि जांच अब सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। दोबारा पूछताछ में अतीत की कई दबी बातें सामने आने वाली थी, पर आखिरकार ये सारा मामला था क्या? 6 महीने पहले क्या हुआ था, और क्या मधु और उसका परिवार गुलाब को उसके किए के लिए माफ कर पाया था? दूसरी तरफ फैक्ट्री वर्कर मनीष पांडे पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था, क्या उसने गुलाब के साथ कुछ गलत किया था? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब खोज रही थी, और तब उनके सामने एक और चौंकाने वाली खबर आने वाली थी। गुलाब को कैसे मारा? नहीं साहब, मैंने गुलाब को नहीं मारा है, कसम से। अब मैं क्यों मारूंगा, बस काम से निकाला गया था इसके लिए। साहब, गुलाब ने मुझे काम से निकाल के अच्छा ही किया। यही देवास में मेरा दोस्त राघव मुझे काम दिलवा दिया, और यहाँ पिछले हफ्ते 3 पत्ती में 50,000 भी जीता। राघव और जिनके साथ जुआ खेलता है सबका पता और नंबर दे। साहब, गजेंद्र ने आपको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है। अब शादी में थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है, सबकी रजामंदी से होता है। मंगल, तुम अब भी छुपा रहे हो। मधु ने कंप्लेंट शादी के बाद की थी, इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छिपाई? सब छोटी सी बात बेकार में इतनी बड़ी हो गई। गुलाब नौकरी से ऊब गया था तो वो कुछ बिजनेस करना चाहता था, उसके लिए उसने थोड़ी सी मदद मांगी थी मुझसे। मदद नहीं मांगी थी, मांग रखी थी। बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने दहेज के लिए 10 लाख रुपए जमा किए और बिरजू की बाइक भी दी, लेकिन शादी के 3 महीनों बाद गुलाब फिर पैसे मांगने लगा। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर वो लगातार मुझ पर पैसों के लिए दबाव बनाता रहा, मुझे और मेरे परिवार को गालियां देता था। उस दिन तो उसने हद ही पार कर दी। माँ जी, आप ही इन्हें समझाइए ना, मेरे पापा और कहाँ से पैसा लाएंगे? थोड़ी जमीन बेच दे या कर्जा ले ले, फिर भला तो उनके ही बेटी दामाद का होने वाला है। माँ जी, पाई पाई जोड़ कर उन्होंने मेरी शादी की है, पहले से बहुत कर्जा है उनके सिर पे। अरे वो कर्जा तो तेरा भाई बिरजू उतार देगा जब उसकी शादी होगी, तो मोटा दहेज लेगा ना, हमारी तरह 10 लाख में थोड़ी मानेगा। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझ ही नहीं रही है। मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो तेरा भी तो भला होगा। देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना है मैं उतने में खुश हूँ। मैं और पैसे नहीं मांग सकती, अब बार बार मांगना बंद कर दीजिए। हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की?
चुपचाप अपने घर जा, अपने बाप को बोल पैसे दे, हाँ, और बिना पैसे लिए इस घर में वापस आए ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल निकल बाहर। देखिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए। सब बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हमें पता ही नहीं चला, लेकिन साहब गुलाब ने वो सब गुस्से में बोला। गुस्से में एक बार बोला जाता है, बार बार नहीं। आप लोगों ने सोचा डरा धमका कर पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन पैसे तो नहीं, पुलिस जरूर आ गई। मुझे केस भी करके यहां से निकल गए। ये गुंडे बहुत खतरनाक है, मर्डर करके आए और रोज रात को मारते हैं मुझे। तो हिम्मत मत हारना, हम बहुत जल्द तुझे यहां से बाहर ले जाएंगे। जो क्राइम चुपचाप सहता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं करता है, वो भी उस क्राइम में बराबर का भागीदार होता है मधु। लेकिन तुमने कंप्लेंट सिर्फ अपने पति के खिलाफ की और वो भी बाद में वापस ले ली। मेरे साथ ससुर घर आए थे माफी मांगने। अरे भाई साहब, भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने। बिरजू बेटा, तुझे जितने ताने देने थे ले। मधु बेटा, गुलाब ने तुम पर हाथ उठाया था, तुम मुझे दो थप्पड़ मार लो। मधु की जगह ये शुभ काम मैं अपने हाथ से ना कर दूं। बिरजू तू चुप कर। तुलसी भाई साहब, आप मधु के भविष्य का विचार कीजिए। अगर शादी टूटेगी तो समाज में सबसे ज्यादा सहन इसी को करना पड़ेगा ना। देख मधु बेटा, वो तेरा पति है, उसको सजा देकर तुम खुद अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। माफ कर दो गुलाब को, एक मौका दे दो। सर मनीष के दोस्त राघव से बात हुई, इसने उसने देवास में काम दिलवाया था, बाकी जुए में पैसे जीता था मनीष सर, और उसका फोन भी सच में खराब हुआ था। सर लगता नहीं कि गुलाब के गायब होने में इसका कोई हाथ होगा। वैसे मैंने मनीष को देवास छोड़ के जाने से मना किया। सर अपने सास ससुर को लेके मधु की नाराजगी जाहिर है, तो मुझे नहीं लगता कि मधु गुलाब के साथ ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि इसमें उसको कोई फायदा नहीं है। सर मधु चाहती तो ससुराल आने से मना कर सकती थी, क्योंकि उसकी फुल फैमिली का सपोर्ट था उसे। सर धीरज का फोन। हाँ धीरज बोलो। सर आपने कहा था ना कि गुलाब के बारे में कुछ याद आए तो मैं आपको फोन करके बता दूँ। सर कुछ याद आया, हो सकता है आपके काम की बात। तो समझ नहीं रहा है गुलाब, नगमा अपने भाई फैजल से बहुत डरती है, और यार सही भी तो है, अगर फैजल को हमारे बारे में पता चल गया ना तो अगले दिन हमारी लाशें मिलेंगी। ये सब साले ना, ये सारे ऐसे ही होते हैं। मेरा साला बिरजू भी ना ऐसा ही है, उसका बस चले ना तो मेरी जान ले ले वो। सर बिरजू को लेके गुलाब का डर वाकई जायज था। मधु के साथ साथ इस बिरजू और उनके पिता तुलसीदास की भी कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, कहीं ये पूरा परिवार शामिल तो नहीं है इस सब में? पुलिस को अभी भी आप पे शक है? शक करने से क्या होता है बेटा, सबूत चाहिए होता है सबूत। तो मेरी चिंता मत कर, बस तमाशा देखती जा। देख बिरजू, मैं तेरे साथ थाने में अंदर नहीं आ सकता, इसने जो बोला है जितना बोला है उतना ही घुमा घुमा के बताते रहना, गुस्से पर काबू रखना, तो उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे हाँ ना, मुझे पता है माँ क्या बोले, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, इतना तुम समझते हो मुझे। गुलाब के गायब होने पर आप लोग मेरे पापा और मेरे भाई पर शक कर रहे हैं? हमने ऐसा कब कहा? तो पुलिस ने उन्हें क्यों बुलाया? और आपने नहीं कहा तो पापा जी ने कहा होगा। आप लोग ये मत भूलिए कि ये मेरे पापा और भाई का बड़प्पन था जो उन्होंने मुझसे कहा कि गुलाब वाली कंप्लेंट वापस ले ले, और इस बार भी उन्होंने मुझे घर पे वापस भेजा ताकि मैं इस बुरे वक्त में आपके साथ रहूं, आपका ध्यान रखूं, और आप लोग उन्हीं पर शक कर रहे हैं? हम क्या जाने कहां है गुलाब, हम तो खुद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। अभी कुछ महीने पहले तो आपकी बेटी ने गुलाब को जेल भिजवाया था, अब बड़ी फिक्र हो रही गुलाब की आपको। क्या करता साहब, बेटी के बारे में भी सोचना था, पानी सर के ऊपर जा चुका था इसलिए ऐसा किया, वरना कौन है जो अपने घर के मामलों को पुलिस में ले जाता है। उसके बाद सब ठीक हो गया, गुलाब से खुश थे आप? मैं तो खुश नहीं था, जिस दिन मेरी बहन रोते रोते घर पर आई ना, पूरा का पूरा परिवार नजरों से उतर गया था मेरी। बेटा तू रो मत, मैं बात करता हूँ ना उनसे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप उनसे, और क्यों बात कर रहे हैं आपको? क्या वो लोग नहीं जानते दहेज मांगना बुरी बात है, लड़की पे हाथ उठाना बुरी बात है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? अरे वो तेरी बहन के ससुराल वाले हैं तो वो। पापा आप उन दहेज कोर्ट से बात नहीं करोगे, बस मुझे पता है लोगों से कैसे निपटना है। अरे तुझे लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ सूझता है? अरे आपको माफी मांगने के अलावा कुछ सूझता है? एक मिनट बिरजू। चाचा जी देखिए, तुम दोनों को सही रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पास सही तरीका है उन दोनों को सबक सिखाने का, और वो भी कायदे कानून में रहकर। बस मधु को हिम्मत दिखानी होगी। विक्रांत कौन है? दोस्त है मेरा, रिक्शा चलाता है। विक्रांत ने ही केस फाइल करने को कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पुलिस बीच में आए। मैंने मंगल जी से बात भी की, और वो गुलाब वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। मधु को घर आए एक महीना हो गया था,
इस एक महीने में ना तो गुलाब ने ना ही उनके परिवार में से किसी ने भी फोन किया। और एक महीने बाद विक्रांत के कहे अनुसार हमने दहेज का केस फाइल कर दिया। 13 तारीख की शाम और रात को तुम कहाँ थे? घड़े पर था, घर पर रात में। हाँ सब ठीक गया ना अंदर? चल चल चल। सर गजेंद्र के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन दोनों चेक किया, सब क्लीन है। पर नजर रखो उस पर। और बिरजू के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? गुलाब का डर शायद सही था। लेकिन सर बिरजू अपनी बहन को विधवा क्यों करना चाहेगा? अगर मधु ये खुद चाहती हो तो? अभी भी कुछ है जो मिसिंग है, कोई लिंक है जो हाथ नहीं आ रहा। मधु बिटिया, ये दवाई दूध के साथ अपनी सास को दे देना, बुखार उतर जाएगा। और रुक, मैं ब्लड प्रेशर की दवा लेके आता हूँ। हाँ जी। सुना है कल तुझे देखने लड़का आने वाला है, भगवान करे तुझे अच्छा पति मिले। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा पति तुझे जल्दी मिल जाए। तो बिरजू और मधु के कॉल रिकॉर्ड्स स्कैन किए, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। बिरजू की अपने जीजा से 13 सितंबर या उसके आसपास कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। मैडम, मधु के फोन रिकॉर्ड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नॉर्मल फोन पे बात ही नहीं करती थी। मधु अपने आशिक से इंटरनेट पे बात करती थी। आशिक? तो जो बिरजू है ना, गुंडा एक नंबर का, 2-3 बार तो मार पीट के केस में अंदर गया। और उसकी जो बहन है मधु, वो भी कम नहीं है। उसका टांका बिड़ा हुआ है उस ऑटो रिक्शा वाले विक्रांत के साथ। हाँ। कई बार तो मैंने देखा है उन दोनों को फोन पे। अरे वो एक दूसरे की शक्ल देख के बात जो करते हैं। दहेज उत्पीड़न हुआ, तुम्हें घर से निकाला गया और गुलाब काफ है। तुमने हमें यह बताया कि गुलाब छुप छुप के किसी से बात करता था, पर जो तुम बात करती थी विक्रांत से, वो तुमने हमें नहीं बताया। इतना रीजन काफी है गुलाब को गायब कराने के लिए? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा और विक्रांत का रिश्ता है, मगर हम उसके लिए गुलाब को गायब क्यों करेंगे? गुलाब को तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। जैसे तुम्हें पता चल गया था कि गुलाब छुप छुप कर किसी से बात करता है, वैसे ही उसे भी पता चल गया हो तो क्या? मैं तब भी उसे गायब क्यों करूंगी? विक्रांत तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे भाई का करीबी दोस्त, तो शादी से पहले से जानती थी तुम उसे? नहीं, ये गुलाब की वजह से हुआ। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से दहेज के पैसे जमा किए थे, इसलिए शादी के बाद मैं सभी को खुश रखना चाहती थी। लेकिन गुलाब के घर से निकाले जाने के बाद मैं टूट सी गई थी, ऐसे में विक्रांत ने मुझे संभाला। मधु, तुम ऐसे कभी नहीं थी, इतनी बेचारी, इतनी कमजोर। अब हालात बदल चुके हैं विक्रांत, अब मैं वो औरत हूँ जो अपने पति के लिए रोती है। वो पति जिसने उसे घर से बाहर निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। नहीं मधु, इस हालत में मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। मधु, तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? चिंता तो हमेशा से ही थी। तुम्हारी शादी के बाद में मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। अगर हिम्मत करके पहले ही सब बता दिया होता तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता। मैंने गलती करी है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वही गलती दोहराओ। तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने हक के लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। विक्रांत ने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। प्यार करता है वो मुझसे, वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं गुलाब के घर वापस जाऊँ। लेकिन तुम अपने ससुराल वापस गई, क्यों? तुमने प्यार करते विक्रांत से? बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों से बदला लेना है। इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी मैं गुलाब। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने दहेज के लिए मुझे सताना चालू कर दिया। और बदले का गुस्सा तुम पर इस कदर हावी हो गया कि तुमने हमेशा के लिए गुलाब को रास्ते से ही हटा दिया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलाब ने तुम्हें सताया, तुम्हें परेशान किया, जिसका तुम बदला लेना चाहती थी। तो तुम्हारा ये बदला लेने में तुम्हारी मदद किसने की? विक्रांत ने या तुम्हारे भाई बिरजू ने? उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। बिरजू को तो कोई भनक भी नहीं थी मेरे और विक्रांत के रिश्ते के बारे में। तो ये तुमने किसी और से करवाया? नहीं, लेकिन। लेकिन क्या? मुझे लगता है ये पार्वती के पिता गजेंद्र का काम है। वो मधु है ना बेटा? गुलाब की पत्नी। जी काका, नमस्ते। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही? कुछ खो गया क्या? काका, वो मेरी चप्पल नहीं मिल रही।
ओहो, इतने सारे जूते चप्पलों में एक चप्पल को ढूंढना कितना मुश्किल। तो इतने गुमशुदा लोगों के बीच एक आदमी कैसे मिलेगा? बेटा, मैंने तो सुना था तू समझदार है, तू इस घर में कैसे आ गई? तुझे कोई और घर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, गुलाब तेरे लायक नहीं है और वो कभी लौट के नहीं आएगा। चलता हूँ। हाँ, मैं मिला था मधु से मंदिर के बाहर, पर मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि वापस क्यों आ गई। ये नहीं कहा कि गुलाब कभी लौटेगा नहीं, झूठ बोल रही है वो। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, वो झूठ बोल रहे हैं। मधु ने हमें बताया था, मैं जानता हूँ उस गजेंद्र को, वो बोल सकता है ऐसे। इन दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है? ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि दोनों की पूछताछ करके सच उगलवा सकते। बिरजू की लोकेशन डिटेल्स कब तक आ रही है? सर जल्द से जल्द भेजने को कहा। और विक्रांत का क्या हुआ? उसको आज बुलाया सर। सर, मैं मधु से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो गुलाब से तलाक ले ले। अब माफी मांग ली ना उन्होंने, गुलाब भी अंदर है। बहुत हो गया यार, अब तलाक दे दो उसे, हम शादी कर लेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत, गुलाब और उसके परिवार ने जो मेरे पापा और मुझे बेइज्जत किया है ना, उसका बदला लिए बिना मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और मेरा क्या, हमारा क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो। तुम्हें पाने के लिए मुझे और क्या करना होगा मधु? मधु को पाने का कोई और रास्ता नहीं था तेरे पास, इसलिए मजबूरी में मारा गुलाब को। नहीं सर, मैंने गुलाब को नहीं मारा। मैं जानता हूँ ये तेरा ही काम है, तुझे मधु चाहिए थी ना, और मधु को वहां बदला लेना था, इसलिए तूने पूरा मामला ही साफ कर दिया। साहब आपकी गलत फहमी हुई है, मैंने मैं तुझे यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तू सच नहीं बता देता। सर, बिरजू के बारे में कुछ पता चला है? सही है, बिरजू का लोकेशन रिकॉर्ड। विक्रांत, तुझे पता था ना कि बिरजू 13 तारीख को थाडेर आया था? मधु, तुझे पहले मुझे बताना चाहिए था ना कि तू विक्रांत से प्यार करती है। ऐसे छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी तुझे? बिरजू बकवास बंद कर, ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का। बात आने में पता नहीं विक्रांत पर क्या बीत रही होगी। तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था? हाँ बताया विक्रांत ने मुझे, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में गजेंद्र का नाम लिया ताकि पुलिस को शक उन पर जाए, पर अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं तो सब ठीक करके तेरी बहन के साथ आराम से रहना चाहता हूँ, लेकिन वो ये जो शांत नहीं हो रही है, हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। आज मेरी कमीज जला दी। ओए जीजे, तूने क्या मुझे मेरी बहन की बुराई करने के लिए बुलाया? शुक्र मना कि तू मेरी बहन मधु का पति है, इसलिए जिंदा है अभी। अरे साले, तुझे तो यहीं कहीं गाड़ देता मैं। उस साले मुझे धमकी दे रहा है? अपनी औकात मत भूल साले, जीत जाऊं मैं तेरा, समझा? अबे चल। बिरजू, पुलिस आई है, तुम्हें बुला रही है। बिरजू, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं हमने। हाँ साहब, मैं मानता हूँ मैं उस दिन गुलाब से मिला था, पर गुलाब ने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था। साहब कौन? बिरजू, जीजा बोल रहा हूँ। उसने जंगल के पास मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैं जब उससे मिला तो वो मुझसे मेरी बहन की बुराई करने लगा, मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने, मैंने भी धक्का दे दिया उसे, क्योंकि जब से उसने मेरी बहन को घर से निकाला है मैं तब से उस पर गुस्सा था। दूर देख देख देख, तुझे तेरी बहन की कसम है, छोड़ दे मुझे। ऐसा नहीं मारूंगा तुझे, जैसे तूने मेरी बहन मधु को दुख दिया ना, वैसी मेरी बहन तुझे हर दिन दुख देगी। सफेद झूठ बोल रहा है तू बोल रहा है कि गुलाब ने 13 सितंबर को तुझे कॉल करके बुलाया, जबकि हमें गुलाब चंडल की फोन रिकॉर्ड में तेरा नंबर ही नहीं दिखा, पर ना ही तेरे फोन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मिला। अब उसने वो चैटिंग वाली ऐप से फोन किया था। अच्छा, तो फिर जो तेरे मोबाइल के चैट ऐप वाले कॉल लॉग में गुलाब का नंबर क्यों नहीं है? गुलाब जब लापता हुआ तो मैं डर गया था, सब डिलीट कर दिया। जितने बहाने बनाने बना ले, तेरे खिलाफ सबूत हैं और गवाह भी, तेरा जिगरी यार है ना विक्रांत, वो देगा गवाही। तू उस दिन थाडेर में था, बताया हमको विक्रांत। दागिनी, मजबूत चार्जशीट बनाओ इसके खिलाफ। साहब, मेरे पूछने के साहब, विक्रांत ने क्या साहब, उस दिन मैंने उसको जंगल वाले इलाके से बाहर आते देखा था। तू ये क्या कर रहा है? अरे वो थाडेर की सवारी मिली तो आ गए यहाँ पे, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे वही मेरा फट्टू जीजा, उससे मिलने आया था।
चल साथ में निकलते हैं। साहब शायद मेरे जाने के बाद विक्रांत ने गुलाब को मार दिया है ताकि वो मेरी बहन से शादी कर सके। मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा था, मुझे लगा मेरा दोस्त है, पर उस कुत्ते ने अपने आप को बचाने के लिए मेरा नाम आपको बता दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती। मैं जानता हूं बिरजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो गुस्से में हमारे गुलाब के साथ ही ऐसा कुछ कर बैठे। नहीं, बिरजू अपनी जीजा को नहीं मार सकता। हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुमने खुद ने गजेंद्र का झूठा नाम लिया था, अपने कानों से सुना था मैंने। साले के बाजू, देख बिरजू पुलिस तेरी फोन की लोकेशन जानती है। 13 तारीख की शाम तू उस गुलाब के साथ था। बातें मत बना, तूने बताया होगा पुलिस को। तो हमने विक्रांत की लोकेशन डिटेल स्कैन किया। 13 सितंबर को विक्रांत का फोन कुछ टाइम के लिए बंद था, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। उसका कहना है कि सवारी ढूंढने के चक्कर में उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया, और जब वो घर पहुंचा तो रात को 9 बजे उसने अपना फोन चालू किया। इतना काफी नहीं होगा उसे इंटरोगेट करने के लिए। सर, ये विक्रांत और बिरजू पहले एक दूसरे के साथ थे, अब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। हमने उन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ तो कर दिया है। बिरजू की कॉल डिटेल्स उसके खिलाफ मजबूत सबूत है, लेकिन विक्रांत के खिलाफ हमारे पास कोई तगड़ी चीज नहीं है। बिरजू के हिसाब से विक्रांत उस शाम थाडेर में ही था, अगर उसका फोन ऑन होता तो ये बात पक्की हो जाती। सर मधु आइए, बिरजू और विक्रांत से मिलना है उसे। मिलने दो, मगर नजर रखो उस पे। मधु, विक्रांत ने गुलाब को मार दिया। बिरजू तो ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ मधु, उस दिन जब मैं गुलाब से मिला था उसे मिलने के बाद काफी देर तक मैं रिक्शा का इंतजार करता रहा। उसी बीच विक्रांत गुलाब से मिला होगा, उसे जान से मार दिया होगा। जब वो मुझसे मिला तो सवारी का बहाना बनाने लगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। उसने तुझे पाने के लिए जान से मार दिया गुलाब को। ये सब बकवास है मधु, मैं सिर्फ सवारी ले गया था उस तरफ। कम से कम मुझसे तो सच कहो विक्रांत। मधु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यकीन करो मेरा। अगर करना ही होता तो पहले ही कर दिया होता ना मैंने। तुम बिरजू से पूछो उसने क्या किया है। बिरजू गुलाब से मिलने गया था और उन दोनों के बीच क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, और बिरजू का गुस्सा तुम जानती हो ना। सब मिले हुए, सबने मिलकर ये किया है। हम दहेज मांगने के लिए शर्मिंदा होते रहे, पर वहां उन सबने मिलकर गुलाब को मारने की साजिश रच ली। मैं छोड़ूंगा नहीं सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। साहब बिरजू ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानता हूं अपने बेटे को। बिरजू ने नहीं किया तो विक्रांत ने ऐसा किया। साहब मैं उसके और मधु के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसको बचपन से देखा, काफी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। मैं जानता हूं मेरे बेटे को किसने मारा, आप शिकायत लिखिए सर। मैं बताता हूं आपको उन लोगों के नाम, फांसी पर चढ़ा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने मिलकर मेरे बेटे को मारा। किसने मारा? मधु, उसका भाई बिरजू, उसका बाप तुलसीदास, और वो विक्रांत जिसका चक्कर है मधु के साथ। इन सब ने मिलकर मेरे बेकसूर बेटे को मारा। ये क्या बात कर रहे हैं मंगल जी, हम मारेंगे अपने दामाद को? हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दहेज मांगने की बात पे थोड़ा गुस्सा थे, पर कुछ नहीं किया हमने। तुम लोग गुस्सा थे, इतना गुस्सा कि मेरे बेटे की जान ले ली। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं इंसाफ के लिए। साहब छोड़िए मत इनको, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है। मंगल की लिखित शिकायत देने के बाद तुलसीदास, बिरजू और विक्रांत से लॉकअप में कुछ दिनों के लिए पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ने ना ही अपना जुर्म कबूल किया और ना ये बताया कि गुलाब की डेड बॉडी कहां है। मधु से भी कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मर्डर केस की तरह क्लोज कर दिया गया। एसपी सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मंगल इस केस को लेकर काफी ऊपर तक गया, बहुत हंगामा मचाया उसने ताकि कोई अक्यूज न छूटे। लेकिन सर उन लोगों के खिलाफ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और किसी ने कन्फेस भी नहीं किया, इसलिए हमें एक मजबूत चार्जशीट बनानी होगी। लेकिन सर हमें अभी तक गुलाब की डेड बॉडी नहीं मिली, तो फिर क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल होगी? रागिनी, ये जरूरी नहीं है कि हर बार परफेक्ट क्लोजर मिले, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस से भी मजबूत केस बनाया जा सकता है जो सजा दिलवाने के लिए काफी होगा। पुलिस ने मधु, तुलसीदास, बिरजू और विक्रांत के खिलाफ चार्जशीट दायर की और अदालत ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। आखिरकार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई
और मामला अदालत पर पहुंचने के बाद फैसले का इंतजार होने लगा। पुलिस दूसरे केसेस में बिजी हो गई। गुलाब के माता पिता अपने बेटे की मौत से शोक और तकलीफ में थे और जिंदगी की इस हकीकत का सामना कर रहे थे। गुलाब की बॉडी ना मिलने से उन्हें समापन भी नहीं मिल पा रहा। कुछ वक्त के बाद मधु को बेल मिल गई और वो अपने पिता के घर रहने लगी। 2 साल बाद एक ऐसा संयोग होने वाला था जो इस अधूरे केस को पूरा करने वाला था। गुलाब मर्डर केस जो अब तक पुरानी फाइलों में दफन था वो फिर से खुलने वाला था। एक सॉलिड टिप मिली, वो गैंगस्टर जगू दिल्ली में छुपा हुआ है और उसका मोबाइल फोन एक्टिव मिला है करोल बाग मार्केट के पास। और उसका साथी रमन? अभी उसकी कोई खबर नहीं है। लोकल पुलिस से बात करो, कहो हम लोग आ रहे हैं, तब तक जग्गू का पीछा करें। अरेस्ट नहीं करना उसे, वही हमें रमन तक पहुंचा सकता है। दोनों को साथ पकड़ना है। ओके ओके ठीक है सर। जग्गू कल से यहां वहां घूम रहा है, अभी तक उसने कोई हरकत भी नहीं की है, ना ही वो रमन से मिला। सर हमें नहीं लगता कि वो हमें रमन तक ले जाएगा। सर कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू भी हमारे यहां से निकल जाए। अभी फिलहाल कहां है जग्गू? गोविंदपुर इलाके में है सर। चलो उठाते हैं उसको। सर कहां है जग्गू? मार्केट के आगे वाले मोहल्ले में छुपा है। सर ये देखिए पान की दुकान पर। जग्गू देखा नहीं मैं, सॉरी। गुलाब है ना, हाडेर गांव में घर है तेरा, तो मर चुका था। तो पुलिस के साथ खेल खेला तूने, तू यहां आ गया, सबको लगा मर गया गुलाब चंदेल। कौन गुलाब साहब? मैं किसी गुलाब को नहीं जानता, मेरा नाम तो गुलशन है। देख तू 2 साल से हमको बेवकूफ बना रहा है, अब अगर एक भी शब्द झूठ बोला तो तेरा वो हाल करूंगा, पूरी जिंदगी दिन का उजाला देखने के लिए तरस जाएगा। वो बड़े साहब से मिलना है, यहाँ से फोन आया था मुझे। आपका नाम? श्वेता, मैं गुलशन गुलाब चंदेल की पत्नी हूँ। अपना नाम बदलने का एक ही तरीका सूझा तुझे, अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार को अपने मर्डर केस में फंसा कर भाग जाने का। अब सब कुछ सच सच बता दे। उस दहेज के केस के बाद बहुत बेइज्जती हुई साहब मेरी। मधु और उसके परिवार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था साहब। केस वापस लेने के बाद मधु भी घर वापस आ गई, लेकिन एकदम बदल गई थी साहब। वो मुझे ताना मारने, मुझे जलील करने और मुझे तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। तूने जो दूसरों के साथ बर्ताव किया ये सब उसी का नतीजा था। आगे बोल। उसके बाद मैं श्वेता से मिला। तुम गुलाब की पत्नी हो? हाँ सर। सर मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो बस थाडेर से सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए थे। तुम कब और कैसे मिली गुलाब से? सर 2015 में मेरे पहले पति की मौत हो गई थी, बहुत अकेली हो गई थी। मेरे ससुराल वालों को लगता था कि मैं अशुभ हूँ उनके लिए, मेरी वजह से उनके बेटे की मौत हुई। जैसे तैसे ठोकरे खाकर कुछ वक्त गुजारा मैंने, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और एक फैक्ट्री में काम करने लगी। गुलाब वहाँ पर सुपरवाइजर थे, मेरे लिए उनका बर्ताव बाकी सबसे बहुत अलग था, बहुत अच्छा। वाह, हमारा हाथ तो बड़ा तेज चल रहा है। अच्छा सुनो, आज 1 घंटे का ओवर टाइम कर लोगी? शीला नहीं आई है ना, और ये सारा काम आज ही खत्म करना है। फिक्र मत करो, तुम्हें ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा। हाँ कर लूँगी। श्वेता का अकेलापन मेरी हालत से जुदा नहीं, जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी वहाँ अपनों के बीच में रहकर भी मैं खुद को अकेला महसूस करता। श्वेता अक्सर ओवर टाइम करती थी सर, और इसी बीच हम दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगी।
हर दिन आपको टिफिन लाते तो देखती हूँ, मगर कभी खाना खाते नहीं देखा। आप पैसे ही टिफिन वापस ले जाते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है। आइए बैठे ना। मेरी पत्नी होते हुए भी मधु ने कभी मेरी परवाह नहीं की, मगर एक अजनबी को मेरी इतनी चिंता हो रही थी। श्वेता का मेरा ख्याल रखना और उसका मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे मुझे गुलाब के साथ रहना अच्छा लगने लगा और बहुत जल्दी हम एक दूसरे के करीब आने लग गए। गुलाब ने मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि वो कितनी तकलीफ में थे, कैसे उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर झूठा दहेज का केस लगाकर फंसा दिया। झूठा केस? श्वेता से भी झूठ बोला तूने? और क्या करता साहब, बहुत भरोसा करती थी वो मुझ पे, और मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती और कोई नहीं था। मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साहब, इसलिए बोलना पड़ा झूठ। तू उसे पूरी जिंदगी अंधेरे में रखना चाहता था? ढेर में रहने पर उसे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता ना साहब, और मैं श्वेता के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, सारी बेइज्जती और वहां के सारे तमाशे से अलग। ऐसे में जब धीरज ने मुझे उसके भागने के बारे में बताया तो मुझे लगा मेरे लिए भी वही तरीका सही है, फिर इस बारे में मैंने श्वेता से बात की। लेकिन इस तरह से भागना क्यों? तुम तलाक नहीं ले सकते उससे। मधु मुझे तलाक नहीं देगी, जब तक वो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह नहीं कर देती ना, नहीं छोड़ेगी वो मुझे। हमारे पास यही एक रास्ता है। श्वेता, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? तुम जानते हो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तो तूने झूठ बोलकर श्वेता को अपने साथ भागने के लिए बहकाया, सिर्फ इसलिए कि उसे सच्चाई का पता ना चल जाए? और मधु और उसके परिवार के लिए क्या प्लान किया था तूने? साहब, मैं तो शुरू से ही श्वेता के साथ भागना चाहता था, इस सारे फसाद से दूर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में मधु और उसके परिवार ने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने का ख्याल आने लगा। मैं जितनी तकलीफों से गुजरा हूँ मैं उन्हें भी उतने ही परेशान देखना चाहता था, इसलिए मैंने धीरज की मदद की नगमा के साथ भागने और उसी दिन श्वेता के साथ प्लान बनाया भागने। सब कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और इसलिए जानबूझकर मैंने धीरज के सामने बिरजू का एक दिन जिक्र भी किया। इसलिए 13 तारीख को तूने बिरजू को बुलाया भी था? तो मुझे आज जंगल के पास आगे मिल शाम को, जरूरी काम। जी सर। बिरजू को मैंने चैटिंग ऐप से फोन करके जंगल के पास में बुलाया था। मुझे लगा कि अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो हम दोनों की फोन लोकेशन एक ही मिलेगी, तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया और अपनी बाइक को भी गड्ढे में दफना दिया। तू चाहता था कि हम बाइक तक पहुंचे और समझे कि किसी ने तेरे साथ कुछ करके बाइक को दफना दिया, फिर बाकी का काम तेरे परिवार पर अतीत में लगा दहेज का केस, धीरज का स्टेटमेंट और बिरजू का फोन लोकेशन कर देगा। और विक्रांत के लिए क्या प्लान किया था तूने? सर, विक्रांत के लिए क्या? नहीं जानता, मधु का अफेयर था विक्रांत के साथ। मधु का अफेयर था? सर, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था गुलाब बदला लेने के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं। मुझे तो लगा मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार के खातिर सब कुछ छोड़ रहे हैं। उसने सब छोड़ा तो, लेकिन पहले मधु और उसके बेकसूर परिवार को फंसाने का सब कुछ प्लान किया, उसके बाद गांव छोड़ा। उसने हमारे बारे में भी नहीं सोचा। बीते 2 सालों में मधु को तो बेल मिल गई थी, लेकिन बिरजू, तुलसीदास और विक्रांत के बेकसूर होने के बावजूद गुलाब के पकड़े जाने के बाद ही वो जेल से बाहर आ पाए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या हासिल हुआ? इस सबसे दूर हम हंसी खुशी रह सकते थे ना, लेकिन तुमने तो सबसे पहले अपना बदला लेना ठीक समझा, उन बेकसूर लोगों को फंसाया। लेकिन तुम कर्म का चक्र भूल गए। गुलाब चंदेल के जिंदा मिलने पर मधु, तुलसीदास, बिरजू और विक्रांत पर उसकी हत्या के लिए दायर किया गया केस खारिज करके उन चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ गुलाब चंदेल को धोखाधड़ी करने के लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गुलाब जमानत पर बाहर है। जिंदगी में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें कभी भी अपनी भावनाओं के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। कुछ करने का नतीजा पहले से ही समझ लेना बहुत जरूरी है। बदले की भावना में किसी को चोट पहुंचाने और दर्द देने का अंजाम दर्द देने वाले को भी भुगतना पड़ता है। क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। 2 दिसंबर से देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क एक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे
सिर्फ सोनी टीवी पर। जय हिंद।